साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया कराची जलसे के हवाले से जहां बहुत से दीगर सवालात उठाए जा रहे थे, वहां एक सवाल ये भी मुसलसल उठाया जा रहा था कि इमरान खान जिस प्राइवेट जेट पर इस्लामाबाद से कराची पहुंचे, ये जेट आखिर किसका था और इसकी कीमत किसने अदा की थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने से पहले इमरान खान के तमाम जलसों में उनका पहुंचना और सफ़र करना जहांगीर तरीन और अलीम खान के जेट त्यारों पर होता था और इस हवाले से सवाल किए जाते थे कि जहांगीर तरीन और अलीम खान के प्राइवेट जेट त्यारे इमरान खान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हुकूमत में आने के बाद जहांगीर तरीन और अलीम खान ने तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर लीं और इसके बाद ये पहला मरहला था जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद से कराची पहुँचना था। सवाल ये उठाया जा रहा था कि क्या वो कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे या फिर प्राइवेट जेट पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जैसे ही कराची लैंड किए तो पता के चला कि वो एक प्राइवेट जेट पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ये कहा जा रहा था कि ये प्राइवेट जेट एंग्रो कंपनी की जानिब से उन्हें फ्राहम किया जा रहा था। इस हवाले से अब एंग्रो का भी एक बयान सामने आ गया है। एंग्रो कॉरपोरेशन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर वाजे किया है कि ये प्राइवेट जेट किस लिए इस्तेमाल किया गया। एंग्रो ने यह वाजे किया कि उन्होंने इमरान खान को प्राइवेट जेट ज़ाती तौर पर फ्राहम नहीं किया, बल्कि उनका ये प्राइवेट जेट इससे पहले बतौर टैक्सी इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसके लिए एंग्रो कॉरपोरेशन के इस जेट को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से कराची इस जेट पर पहुंचे जो कि एंग्रो का जेट था और इसको काफ़ी अरसे से बतौर टैक्सी इस्तेमाल किया जा रहा था। एंग्रो ने इस सफर की कीमत और पैसे अदा नहीं किए। इस हवाले से कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि दुबई में कारोबार करने वाली एक खातून जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनकी जानिब से इस एंग्रो कॉरपोरेशन के प्राइवेट जेट को बतौर टैक्सी हायर किया गया था और इस सफर की कीमत भी उनकी जानिब से अदा की गई थी।